प्रदेश भर में कई सड़क हादसे सामने आए हैं। इसमें अनेक लोगों की जान चली गई, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक परिजन भी शामिल थी। सीकर में बीकानेर बाईपास स्थित चंदपुरा तिराहे पर एम्बुलेंस और कार की भिड़ंत में निम्स के चिकित्सक डॉक्टर आरसी गहलोत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जयपुर रेफर किया गया। हादसे में उनकी पत्नी शीला गहलोत की मौत हो गई। बीकानेर निवासी शीला गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बुआ की बेटी थी। जब यह हादसा हुआ, उस दौरान चिकित्सक दंपत्ति कार में बीकानेर से जयपुर जा रहे थे। बाईपास के पास जयपुर की तरफ से आ रही एम्बुलेंस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। पूर्व मंत्री सुभाष महरिया भी उस दौरान वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने 108 एम्बुलेंस से चिकित्सक दंपत्ति को कल्याण अस्पताल पहुंचाया, जहां पर शीला गहलोत की उपचार के दौरान मौत हो गई। उनके पति डॉक्टर आरसी गहलोत की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। महरैया ने बताया कि डॉक्टर गहलोत पहले बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में थे, वर्तमान में निम्स मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक हैं। एम्बुलेंस में सवार लोग शव लेकर जयपुर से हरियाणा जा रहे थे। हादसे में हल्की चोट लगने पर उन्हें भी कल्याण अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रवाना कर दिया गया। उधर हरमाड़ा थाने इलाके में देर रात एक ट्रक ईंट भट्टे पर सो रहे दो मजदूरों पर चढ़ गया। हादसे में एक मजदूर मैनपुरी यूपी के 22 वर्षीय रतिराम की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने चालक को पकड़कर डंपर को जब्त कर लिया है।